अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब हैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो अभी हमने जुमे की तैयारी कर ली है, ये देख ही सकते हैं कपड़े पहने हैं। शलवार कमीज इसलिए नहीं हमने पहनी है क्योंकि उसके अंदर यार बड़ी ठंड लगती है, तो अगर उसके ऊपर पहन लें हम जैकेट तो मतलब फिर उलझन टाइप होती है मुझे। तो अभी हम आज उस मस्जिद में जाएंगे, सियालकोट की बहुत प्यारी मस्जिद है वो, हम आज तक उस मस्जिद के अंदर नहीं गए, तो जिसका नाम है फजाए मदीना, तो बहुत प्यारी है, अभी आपको उधर दिखाते हैं। तो काफी प्यारी मस्जिद है, तो हम पहली बार जा रहे हैं, हम नर्वस हैं, वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि जुम्मा पढ़ना है, पर पहली बार जा रहे हैं ना यार मस्जिद के अंदर। तो अभी हम किले के ऊपर है इस टाइम, तो आप देख सकते हैं किले के ऊपर काम हो रहा है थोड़ा सा, तो आप देख ही सकते हैं सफाई हो रही है किले के ऊपर, ये देख सकते हैं आप। तो मजदूर अभी वहां साफ पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, कुछ बना ही रहे हैं इधर। तो जितनी बार हम किले को पढ़ाया तो हमने सोचा कि कभी भी यहाँ धुंध होती थी, जब भी हम आते थे तो क्लियर चीजें नजर नहीं थी आती हैं। तो ये आप देख सकते हैं किले के ऊपर सारे घर नजर आ रहे हैं इस टाइम, किले के ऊपर नहीं, किले से हम देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं इस सियालकोट शहर, हम पूरा देख सकते हैं, पूरा नहीं काफी मतलब इसका हिस्सा देख सकते हैं, काफी प्यारा नजारा है वो आप देख सकते हैं दूर दूर तक, अच्छा नजारा इधर। तो अभी आप वीडियो के साथ बने रहिए, आज आपको बहुत मजा आने वाला है। तो हम जाने लगे हैं अब जुम्मे की नमाज पढ़ने। तो आप सोच रहे होंगे कि हम पैदल क्यों चल रहे हैं, तो पैदल हम इसलिए चल रहे हैं कि वो जो पिछला पार्ट था ना वो हमने तकरीबन 11:16 पे शूट किया था, तो 11:16 पे मस्जिद खुलती नहीं है, तो हम फिर घाट चले गए। तो घाट जाके अब हमने सोचा यार उधर हमें मोटरसाइकिल नहीं लेके जानी चाहिए, क्योंकि मोटरसाइकिल अनजान जगह पे फिर यार चोरियां आजकल बहुत ज्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से हम नहीं जा रहे। हमारी एक पहले भी मोटरसाइकिल चुक कती थी, अल्लाह को प्यारी हो गई थी, तो इसलिए हम अभी ये नहीं जाते, हमारी दूसरी मोटरसाइकिल भी चुक कते, तो इसलिए अभी हम वहां खड़ी करके आ गए हैं। तो अब हम आपको मस्जिद में जाने के मनाजर दिखाते हैं, क्यों भी रहा बात सच है कि नहीं? अपनी भी मोटरसाइकिल खड़ी करके जिस दिन चुक कती ना उस दिन तुम घरों कर छना, ये भी है गारंटी है, देख ले इसे जाते जाते प्यास लग गई, ये फिल्टर पे रुक गया, ये पानी पी रहा भी। ये देख सकते हैं आप जिस जगह पे हम आए हैं, यहाँ गाय अभी आपके ब्लॉगर को पूंछ लग गई है गाय की, इसके साथ ऐसे ही होना है, हम मुक चुके हैं बिकॉज हमें गायों की पूछले बजने लग पड़ी है अब। ये देखें सुनसान जगह पे इन्होंने स्पोर्टेज खड़ी की हुई है, अल्लाह इनको बख्शे, अल्लाह पल्ला करे अकल दे इनको, ये चुक कतनी है आपकी जिस जगह पे आपने खड़ी की हुई है ना स्पोर्टेज कार, देख सकते हैं ये बहुत खतरनाक जगह है, सुनसान जगह काफी ज्यादा, पर हमने आपके लिए व्लॉग शूट करना ही करना होता है, सुनसान हो अंधेर हो जो मर्जी हो हमने तो व्लॉग से मतलब है। रऊफ साहब बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। तो अभी हम फजाए मदीना के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, आपने देख लिया होगा उसका गुम्बद थोड़ा सा, पर आपको भी करीब से दिखाते हैं, मेहनत मुशक्कत के बाद हम पहुंच चुके हैं पैदल पैदल इधर। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं फजाए मदीना के करीब, आप देख ही सकते हैं, तो जिसका था इंतजार वो घड़ी आ ही चुकी है, और अब मेन आप चीज जो देखेंगे वो अंदर ही देखेंगे, ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा गुम्बद है, देख सकते हैं आप मदीने की तरफ पे उन्होंने बनाया हुआ है, मस्जिद नबवी की तरफ पे उन्होंने एक गुंबद बनाया हुआ है। तो जुम्मे को तो अभी थोड़ा सा टाइम है, हमने सोचा ये हमें मिले हैं भाई, अभी हमने गन्ने का रस पीने लगे, कितने की कीमत है भाई? 40 वाला पकड़ लो, 2-40 देखे 40 रूपए की इसकी कीमत है, तो अभी हम पीने लगे हैं, देख सकते हैं आप चांद गाड़ी पे उन्होंने लगाया हुआ है, ये देख ही सकते हैं आप, हमने गन्ने का रस भी तो भी मैं अल्लाह के हुक्म से पहला गिलास खाने लगा, देखिए तो मजेदार है। तो अब हम आपको बाद में बताते हैं अगला सीन, पहले पी ले। तो भी हम फजाए मदीना में एंटर होने वाले हैं, देख ही सकते हैं आप वो घड़ी खत्म होगी जिसका था इंतजार, अब एंटर हम हो चुके हैं, देख सकते हैं आप लिखा हुआ है वजूहाना आगे बाई तरफ है, आगे बाई तरफ भी देखना पड़ना किस साइड पे है।
देख ही सकते हैं आप लोग वुजू कर करके आ रहे हैं और हम भी जाने वाले हैं वुजू करने। अब हम वुजू करने वाले हैं इस टाइम लोग वुजू करने वाला है। करने लगा बस मैं भी आप बस खड़े एक बार भी कम लोग भी आए हुए हैं वजू करने। पिछली साइड फुल बड़ी हुई है हम इधर कर रहे हैं क्योंकि इधर कोई है नहीं और हम इधर वीडियो भी बना सकते हैं। तो अभी हम शूज यहाँ से लेने लगे हैं अपने। देखे हमने कहाँ छुपाए हुए थे दाढ़ी या तो चोरी ना हो जाए हमारी हरकतें देखे जरा हमने कहाँ शूज छुपाए हुए थे। ये देख ही सकते हैं ये गार्डन है कुछ लोग यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं वो पीछे मदरसा है वो आप देख ही सकते हैं। तो ये फजाए मदीना का गार्डन देख सकते हैं इधर कई लोग धूप में है मतलब धूप सेक रहे हैं इस टाइम तो कई नमाज अदा कर रहे हैं वो जो फर्ज होते हैं जुम्मे के बाद देख ही सकते हैं आप। हम तो नमाज पढ़ के आ गए हैं तो भी हम अब खाने जा रहे हैं इधर से जिसका मेन इंतजार था जिस घड़ी का। तो भी हम ये एक चिकन का पीस लेने वाले हैं जो भी हमारा फ्राई हो रहा है इस टाइम ये देख ही सकते हैं अभी क्या मजा मेरा भूख और बढ़ती जा रही है। जुम्मा पढ़ के आ चुके हैं अब हम तो आखिरकार बड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद उन्होंने हमारे लिए बना ही लिया लेग पीस। अभी इसके छिछड़े बचने लगे हैं खा पी के बड़ू साहब के चेहरे पे खुशी खुशी अलग है चावल के बच्चे जल्दी खा ये देखे खाने लग पड़ा ये देखे छिछड़े अब उसके उतार रहे देखे डोफ ले हरकर बोतले चावल जया ले नहीं था है। इसको मैंने कल लिया जब गोश्त खत्म होने वाला तो तब लेके आया। तो उम्मीद करते हैं आज का आपको ये व्लॉग पसंद आया है और अगर आप इस तरह के इंटरेस्टिंग किस्म के व्लॉग इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करके बेल का आइकन आएगा उसको प्रेस करना है और के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर देना फिर हमारे व्लॉग आप तक पहुंचेंगे और हमारा और आपका कॉन्टेक्ट बना रहेगा। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज।